Bigg Boss was a once in a lifetime experience, definitely. And yeah, this is the I don't usually go to clubs and all. I don't like doing this, but this is for a friend. So I've come for the opening. I'm excited to see what is there in store, because it looked exciting. The posters looked good, and the venue is pretty chill. It's a very good vibe. So yeah, I've come for a different experience. It's been amazing. It's been really, really good, because as you said, like, you know, I went into Bigg Boss, I was a bit known, but once I came out, there was so much love from the people. It's overwhelming, and I'm grateful. I feel very humbled, and it feels really nice. Feels really good. ये यूज़ हुआ है बार, ये न्यू चीज़ है एक्चुअली, मुझे नहीं पता है, ये फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ मैं. बट I'll have to do a bit of research, because मुझे भी जानना है कि मैंने क्या ऐसा कर दिया कि यू नो, मैंने honestly अब तक episodes देखे नहीं है. मैं आके काम कर रहा हूँ since I've come. So once I've watched the episodes, I'll get a better perspective. I've seen a few episodes, थोड़े बहुत episodes देखे मैंने. अभी देख के ये ढूंढना पड़ेगा, जो आपने word बोला ना, ये मेरे को ढूंढना पड़ेगा, और ये tension हो गया मेरे को. But फिर भी I'll search it out. बहुत सारे लोगों को इंडस्ट्री से आपको बहुत सारी उम्मीदें हैं. हाँ, तो आप आने वाले दिनों में हमें क्या कुछ करते हुए मिलेंगे आप बिग बॉस के? तो मेरे अभी 4 songs, 4 गाने आ रहे हैं नए. मेरे 4 नए गाने आ रहे हैं अभी, एंड उसके अलावा आई एम डूइंग 2 music videos, एंड सलमान सर से होपफुली मेरी जल्दी मुलाकात होगी, बिकॉज उन्होंने मुझे बताया भी था इंटरव्यू के दौरान, लाइक एग्जिट के दौरान, एलिमिनेशन के दौरान, कि आके उनसे मिलने. सो आई होप आई कैन वर्क विथ हिम एज़ वेल. म्यूजिक दौर का टाइम चल रहा है, तो हम ऐसा मानेंगे कि आप सारे रिलीज करने. नहीं, मुझे बॉलीवुड में भी काम करना है. माई मेन फोकस इज ऑब्वियसली बॉलीवुड, बट जब तक बॉलीवुड के ऑफर्स आए, तब तक मैं अपने आप को और भी बेटर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं म्यूज़िक वीडियोज़ कर रहा हूँ, सो दैट आई कैन शोकेस माई टैलेंट टू एवरीवन. एंड फिर किसी को अगर पसंद आ गया तो मे बी यू नो आई गेट अ चांस इन अ बॉलीवुड फिल्म समथिंग. जी अगेन, अगर मुझे मौका दिया जाए, हाँ, लेकिन पहले एपिसोड्स देख के फिर. अब क्या करेंगे आप जाके? अब सबके असली चेहरे नहीं, मैं तो सेम ही रहूँगा, बट अब मेरा व्यवहार लोगों के साथ अलग रहेगा. आई बी डिफरेंटली बिहेव्ड विद द कंटेस्टेंट्स, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें मुझे जानने को मिली बाहर आके. सो अब मेरा उनके तरफ व्यवहार विल बी वेरी डिफरेंट. यू विल सी अ डिफरेंट साइड टू मी, बट मैं ही रहूँगा, जैसा मैं था वैसे ही रहूँगा. बस एक नए कुछ नए चीज़ों के साथ आप मुझे देखेंगे. सॉरी, बताया कि सलमान खान के साथ में आपकी मीटिंग है. मैं होप कर रहा हूँ कि कोई एसोसिएशन, कोई प्रोजेक्ट कुछ हो, बिकॉज ये एक ड्रीम होगा मेरे लिए कि सलमान सर के साथ काम करना, एंड डेफिनेटली उन्होंने मुझे बुलाया तो है. सो लेट्स सी, आगे कुछ ऐसा हो तो आई विल बी रियली ग्लैड. हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, नॉट एट ऑल. शी इज़ बिन अ फ्रेंड सिंस द बिगिनिंग, एंड हाँ, आप लोगों ने तो देखा ही है क्या क्या चीज़ें हुई. सो उसके दौरान यू नो, इट वॉज ट्रस्ट इज़ गॉन, तो दोस्ती भी नहीं होगी. डेटिंग तो बहुत दूर की बात है, ऑनेस्टली. हाँ, नहीं नहीं, ऑनेस्टली मेरी बात नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं, नहीं अब तक तो नहीं हुई. हाँ, क्यों? हाँ, मैं एजाज भाई को जीतते हुए देखना चाहूँगा, बिकॉज ही इज़ बिन अ फेवरेट मेरे साथ बहुत.
ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हुए उनके साथ मेरे, मगर एट द एंड ऑफ द डे वो जेन्युइनली मेरे बड़े भाई जैसे रहे हैं. सो मैं चाहूँगा एजाज भाई जी मुझे एक्चुअली काफ़ी सेम ही लगता है, बिकॉज सलमान सर जेन्युइनली वैसे ही है जैसे वो आप लोगों को प्रेजेंट होते हैं टीवी पे. ही इज़ वेरी कोर्टिस, बहुत अच्छा बात करते हैं एंड समझाते भी हैं तो बहुत प्यार से समझाते हैं, विच इज़ अ रेयर थिंग. एंड वो बहुत टू द पॉइंट बात करते हैं, तो जैसा आप लोगों को टीवी में दिखता है सलमान सर एक्चुअली में वैसे ही है हमारे साथ. उसके अलावा काफ़ी सारे मोमेंट्स ऐसे रहे हमारे जब हम लोग ने मतलब गाने वाने गाए साथ में ड्यूरिंग द शूट वीकेंड के बाद के, बट अदरवाइज इट फील्स द सेम. आई जस्ट लाइक टू कंग्रेचुलेट देम एंड आई होप ये जगह बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है. सेम हियर, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस टू हैक्स. इसका नाम ही कमाल है, हाई एनर्जी एक्सपीरियंस, तो जो भी यहाँ पे आएगा बहुत कमाल की एनर्जी होगी, हाई होगी. सो फाइनली जो हैक्स है वो मेरे फ्रेंड का है राहुल का, और काफ़ी दिनों से लॉकडाउन से पहले से बहुत चर्चा में था कि हम एक क्लब खोलने वाले हैं बहुत जल्दी, और मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था. और अभी जब लाइफ नॉर्मल हो गई है और ये क्लब खुला है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अंदर जाकर के डांस करने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद भाई बेड पर लेटे लेटे थकी गए थे, है ना. और आज हमारा डांस करने का टाइम नहीं पहना हुआ है. नहीं तो तुमने पहन रखा है. हाँ तो ठीक है, आज हम बहुत फन करने वाले हैं, मस्ती करने वाले हैं. क्यों आदेश भाई? हाई एनर्जी के साथ डांस करने वाले हैं. सो जो लिखा है यहाँ पर टैगलाइन है हाई एनर्जी एक्सपीरियंस, वही लेंगे हम लोग, वो आज हम करने वाले करने आ रहे हैं. यस, सैटरडे आज की शाम को लेकर एंड क्या कुछ कहना चाहेंगे इस रेस्टोरेंट बार और जो भी है? बहुत एक्साइटेड हूँ आज आने के लिए, क्योंकि ये मेरे दोस्त हैं जिन्होंने नया क्लब ओपन किया है यहाँ पे. एंड I've heard it's gonna it has excellent interiors. मैं बहुत उत्सुक हूँ जाके देखने के लिए, और बहुत सुना है इस जगह के बारे में. Actually while it was in the process of course, क्योंकि आज खुल रहा है, लेकिन बहुत सुनती रही हूँ तो फिर आज मैं बहुत excited हूँ आके यहाँ पे देखने के लिए कि क्या actually जो डिस्क्राइब हुआ है, जो भी हाउ इट्स टर्न्ड आउट. सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई विश द एंटायर टीम. आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटीफुल. मेरे को ऐसा लगता है कि जो अंधेरी एरिया है, इतने क्लब्स खुल रहे हैं यहाँ पे, आई थिंक इट विल बिकम अ हब ऑफ फैशन एंड हब ऑफ क्लब्स. हर गली में एक क्लब है, तो आई थिंक साउथ बॉम्बे में भी जो इतने क्लब्स नहीं है जितने अंधेरी में खुल गए हैं. और आई थिंक अंधेरी नंबर वन पार्टी एरिया हो जाएगा आने वाले कुछ समय में. मैं आशा करता हूँ कि आई थिंक दिस क्लब चले, बिकॉज इतना कॉम्पिटिशन है. पर हाँ, परमिशन होनी चाहिए, बिकॉज मेन थिंग इज कितना देर तक क्लब चलता है. बिकॉज वेन वी गेट रेडी वी गो आउट, वी वॉन्ट अ पार्टी, वी वॉन्ट टू कम बैक एट लेट. तो आई थिंक सो आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड आई एम श्योर दिस क्लब इज गोइंग टू डू वेरी वेल. वेल सीजन बहुत बोरिंग था इस बार का, बट डेफिनेटली मैं लाइक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ बिग बॉस का. इनफैक्ट मेरे को भी कॉल आया था जाने के लिए, और अभी अब धमाल होगा बिकॉज अब आई थिंक बिग बॉस का सीज़न मेरे हिसाब से अब शुरू हुआ है, क्योंकि इतने सारे उन्होंने बॉम्ब भेजे हैं अंदर, चाहे वो राखी हो जाए, चाहे वो कश्मीरा हो जाए, चाहे वो मन्नू पंजाबी हो जाए, ये सब दिग्गज लोग हैं. लाइक विकास गुप्ता, अर्शी खान, जो अर्शी खान ने ज्वेलरी पहनी थी वो कंकाल की ज्वेलरी पहन के घुसी हैं. तो आई थिंक सो नाउ द टीआरपीज़ विल गो अप एंड अब एक्चुअली सीजन अकॉर्डिंग टू मी अब स्टार्ट हुआ है. तो आई थिंक सो अब लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है. सी राहुल को मैं आज सालों से जानती हूँ एंड राहुल हैज़ बीन अ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड एंड एन एसोसिएट. सो वो हमेशा इन बिजनेस इन हिज वर्क हाई एनर्जी एंड हाई ऑक्टेन में रहता है. सो आई नो हिज पैशन टूवर्ड्स द नाइट लाइफ क्लब एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. सो आई एम श्योर एंड आई एम सर्टेन दैट ये जगह फुल ऑफ एनर्जी एंड हाई ऑन स्पिरिट्स एंड एनर्जी रहने वाला है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट 8 महीने का जो रेस्ट मिला है ना क्वारंटीन एंड लॉकडाउन में, तो उसने सारी एनर्जी गैदर करके रखी होगी. सो नाउ इज़ द टाइम फॉर हिम टू रिलीज ऑल द एनर्जी. सो आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू द एंटायर टीम एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर वेंचर्स ऑफ राहुल, बिकॉज आई लव वॉट ही डज. सो एंड ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट द हॉस्पिटैलिटी वर्ल्ड. सो या ऑल द बेस्ट टू हिम. First of all, I want to say the entire team, congratulations, Hex. I love the name, High Energy Experience. It's so much like me, always full on experience. Energy, not experience. Haan, I'm fumbling already. Aadat chhod gayi na media mein aane ki. And congratulations to all of you. Good to see you. Aap log ko itne time ke baad dekhne ke baad.
एंड लॉकडाउन के बाद ये लॉन्च खुल रहा है. सो इट्स अ नाइस फीलिंग, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. सडनली ऐसा लग रहा है रौनक आ गई, हम वापस जिंदा हो गए, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है. दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग. एंड ऑफकोर्स कंग्रेचुलेट टू द ऑल द टीम एंड आई वुड लाइक टू कम हियर अगेन एंड अगेन.